हाय गाइस, आज हम बात करेंगे यहाँ पर मोबाइल फोन्स के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, कई सारे मोबाइल फोन्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत रहती है कि उनको अंडर 10,000 में फोन चाहिए, लेकिन उनको क्वालिटी भी उनको टॉप लेवल की चाहिए। जैसे कि या तो स्क्रीन साइज उनका काफी अच्छा होना चाहिए, गेम खेल सकें अच्छे से, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, रैम रोम उनको अच्छा चाहिए, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर टॉप 10 फोन्स की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो भी अंडर 10,000 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटा दबाना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक सीयर। मैं सनी तिवारी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 नंबर से। टॉप 10 पर हमारे पास आता है पोको C3। तो ये 464 वेरिएंट में है, जिसकी कॉस्ट 8,499 है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो ये 6.53 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आता है, जिसमें आपको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें आपको 270 PPI और 400 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 400 निट्स की ब्राइटनेस काफी बहुत अच्छी होती है, एवरेज है, जो कि आपको सनलाइट में देखने में भी काफी हेल्प करती है, तो सनलाइट के अकॉर्डिंग भी ये काफी अच्छा है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Helio G35 देखने को मिलता है, जो कि 12nm चिपसेट पर बेस्ड है। इसमें हीटिंग का इशू रहता है थोड़ा सा, तो लो सेटिंग में आप इजीली इसमें गेमिंग कर सकते हो। रियर में आपको कैमरा देखने को मिलते हैं, वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 13 megapixel का मेन कैमरा, 2 megapixel का मैक्रो और 2 megapixel का डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। अगर वहीं बात करें हम फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 5 megapixel का कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलता है, और इसके अलावा फेस अनलॉक का फीचर भी है। तो इतना 8,499 में आपको इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं, उसके अलावा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 3.5mm का एक जैक देखने को मिल जाता है, ये 4G सपोर्ट करता है और डुअल सिम प्लस इसमें माइक्रो SD कार्ड तीनों एक साथ आप यूज कर सकते हो। ये आपको 5000mAh की बैटरी के साथ देखने को मिलता है, जिसमें 10W का चार्जिंग का सपोर्ट है। तो नंबर 9 पर हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 10, जो कि 464 वेरिएंट में आता है और ये 9,499 का है। इसमें अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.78 इंच की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, वहीं पर आपको HD प्लस IPS LCD पैनल का सपोर्ट मिलता है, 264 PPI और 480 निट्स के साथ आता है। तो 480 निट्स की ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा है। अब वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर भी MediaTek का Helio G70 गेमिंग प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि 12nm के चिपसेट पर बना हुआ है। तो इसमें भी आपको बस थोड़ा सा हीटिंग का इशू रहेगा, बाकी ये गेमिंग प्रोसेसर है, तो गेम आप यहाँ पर आराम से और बहुत बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। बाकी बात करें कैमरे की, तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है आपको बैक में 16 megapixel का मेन कैमरा, 2 megapixel का मैक्रो, 2 megapixel का डेप्थ और 2 megapixel का नाइट मोड देखने को मिलता है यहाँ पर। वहीं पर बात की जाए अगर फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पर 8 megapixel का कैमरा देखने को मिलता है। और अगर बात किया सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में यहाँ पर आपको सिर्फ फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, वो भी बैक में। अब बात करते हैं इसके एंड्रॉइड वर्जन की, तो एंड्रॉइड में आपको इसमें वर्जन 10 देखने को मिलता है। 3.5mm का जैक का सपोर्ट है इसमें, 4G सपोर्ट करता है ये। इसके अलावा आपको इसमें डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हो। और इसके अलावा बात की जाए अगर बैटरी की, तो इसमें 5200mAh की बैटरी का सपोर्ट है और ये 10W के चार्जर के साथ आता है। तो नंबर 8 पर हमारे पास यहाँ पर Realme C25 है। ये 464 वेरिएंट में आपको 9,999 का देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करें डिस्प्ले की, तो 6.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले के साथ ये आता है। इसमें HD प्लस IPS LCD पैनल का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें 269 PPI आपको देखने को मिल जाती है और 480 निट्स की अच्छी खासी ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है इसमें भी। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो इसमें भी आपको MediaTek का Helio G70 गेमिंग प्रोसेसर ही देखने को मिलता है, वही जो कि 12nm चिपसेट पर बेस्ड है। तो इसमें भी हल्का फुल्का वही हीटिंग का इशू रहेगा, लेकिन गेमिंग आप अच्छे से कर पाएंगे इसमें भी। और अगर बात की जाए इसके कैमरे की, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें फर्स्ट कैमरा अगर देखें तो 13 megapixel का मेन, 2 megapixel का मैक्रो और 2 megapixel का ही यहाँ पर डेप्थ देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रंट में अगर बात की जाए, तो फ्रंट में आपको 8 megapixel का कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो इसमें फेस अनलॉक फीचर प्लस फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट इसमें आपको बैक साइड पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन की, तो इसमें एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ ये आता है। 3.5mm का जैक का सपोर्ट देखने को मिलता है, 4G सपोर्टेड है ये। इसके अलावा आप इसमें डुअल सिम और SD कार्ड तीनों एक साथ यूज कर सकते हो। और बात करें अगर आप इसकी बैटरी की, तो ये आपको 6000mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें 18W का चार्जर, फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। अब आते हैं नंबर 7 पर। तो नंबर 7 पर यहाँ हमारे पास है Realme Narzo 20,
जिसमें कि आप 464 का वेरिएंट आपको 10,499 रुपीज का मिलेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है मैं जानता हूँ, लेकिन ये आपको किसी भी ऑफर में अगर आप लेंगे तो ये आपको 9,000 के अप्रॉक्स ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, तो ये आपको 6.52 इंच की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, जिसमें HD प्लस IPS LCD पैनल आपको देखने को मिलेगा। वहीं आपको 269 PPI और 450 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो इसकी भी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, 400 प्लस है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम प्रोसेसर की, तो इसमें भी आपको MediaTek का Helio G85 गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये भी आपका 12nm चिपसेट पर बेस्ड है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरे पर, तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको बैक में देखने को मिलता है, जो कि मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, मैक्रो 8 मेगापिक्सल का और डेप्थ 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको ये 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें फेस अनलॉक फीचर प्लस फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, जो कि फिंगरप्रिंट आपको बैक में देखने को मिलेगा यहाँ पर। और ये एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ आता है। इसमें 3.5mm का जैक सपोर्ट देखने को मिलता है, 4G आपको नेटवर्क देखने को मिलेगा यहाँ पर, डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड दोनों आप एक साथ यूज कर सकते हो इसमें। अगर बात की जाए इसके बैटरी की, तो 6000mAh की बिग बैटरी के साथ ही आता है। इसमें भी हमको 18W के चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर यहाँ हमको माइक्रो मैक्स इन 1 देखने को मिलता है। जी हाँ, ये 464 वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो प्राइस है वो 9,999 रुपीज है। ये आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले के साथ देखने को मिलता है, तो 6.67 इंच की डिस्प्ले काफी बड़ी डिस्प्ले है। और ये आपको फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ मिलता है, क्यों अभी तक जो मैंने लिस्ट बताई थी उसमें HD प्लस के साथ आ रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर फुल HD में देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें 394 का PPI और 450 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो ये दोनों भी अच्छे दिए हुए हैं, क्योंकि अभी तक हम जो PPI की बात कर रहे थे वो अप्रॉक्स 250 से थोड़ा थोड़ा ऊपर था, लेकिन यहाँ पे ये आपको 394 का देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बेटर है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो ये आपको MediaTek के Helio G80 के साथ देखने को मिलेगा। ये जो आपका G70 से काफ़ी बेटर है, तो इसमें गेमिंग आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहेगा, और ये भी 12nm बेस्ड चिपसेट है एक। तो बात कर लेते हैं कैमरा की, तो इसमें बैक कैमरा जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ही आता है। इसमें एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ आपको देखने को मिलता है। इसी के अलावा आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक दोनों ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। ये एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ आता है। 3.5mm जैक का सपोर्ट है इसमें। आप इसमें 4G सिम देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो तीनों चीजें। और अगर बात की जाए बैटरी की, तो ये भी 5000mAh की बिग बैटरी के साथ आता है, जिसको आप 18W के चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हो। तो ये 18W का चार्जर भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो अब चलते हैं नंबर 5 की तरफ, और यहाँ आपको नंबर 5 में मोटो का मोटो G10 पावर देखने को मिलता है। ये आपका 464 में 9,999 रुपीज का मिलेगा। इसमें अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.51 इंच का स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले पैनल आपको देखने को मिलता है। ये 269 PPI के साथ आता है, और इसमें 370 का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, मतलब कि 370 nits की ब्राइटनेस आपको इसमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 460 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 460 एक एवरेज है, तो वो मतलब इतना ही ये नहीं कह सकते हम कि बहुत ज़्यादा बुरा है, तो ये एक एवरेज स्नैपड्रैगन है, तो ये बहुत बढ़िया है हमारे लिए इतनी रेंज में, तो ये बहुत सही है। इसमें अगर आप देखें तो 11nm के चिपसेट पर ये बेस्ड है, और 11nm के चिपसेट का मतलब है कि इसमें हीटिंग इशू काफ़ी कम रहेगा। अब बात करते हैं कैमरे की तरफ, तो कैमरे में आपको बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, मैक्रो 2 मेगापिक्सल का और डेप्थ 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। वहीं बात करें सेल्फी की, तो सेल्फी कैमरा आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का मिलता है। इसमें आपको फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक फीचर दोनों ही देखने को मिल जाते हैं। ये एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ आता है। इसमें आपको 3.5mm जैक सपोर्ट भी देखने को मिलता है। ये 4G है, इसमें 4G का सपोर्ट भी है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये हाइब्रिड है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाला हाइब्रिड में आता है। अब बात करें बैटरी की, तो इसमें 6000mAh की बैटरी आप मिलती है आपको। इसमें 20W का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी है, तो ये भी यार अच्छा है कि बिग बैटरी के साथ आ रहा है 6000mAh की, उसमें आपको फास्ट चार्जर 20W का भी देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। तो नंबर 4 पर हमारे पास है यहाँ पर पोको M2। जी हाँ, ये नंबर 4 पर मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये जो 464 वेरिएंट में 9,499 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा, और ऑफर में ये आपको 9,000 से भी नीचे ही मिलेगा। तो इसमें आपकी अगर डिस्प्ले और स्क्रीन की बात करें, 6.53 इंच का स्क्रीन साइज है। डिस्प्ले की बात करते हैं, तो ये फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ ये आता है। तो जी हाँ, ये भी फुल HD प्लस में ही है।
इसके अलावा बात करते हैं हम कि इतना 394 की PPI और 400 nits की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, तो काफी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर मिलता है जो कि G70 से काफी बेटर है और ये गेमिंग में भी काफी अच्छा है। इसमें हीटिंग का बहुत ही ज्यादा कम इशू देखने को मिलता है आपको। वहीं बात करते हैं कैमरा सेटअप की, तो इसमें बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। इसमें एक 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। तो इसमें जो है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया हुआ है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक हम जो बात कर रहे थे वहां पर मैक्रो 2 मेगापिक्सल का था, तो ये मुझे काफी अच्छा रहा। अब इसी में हम बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, जी हाँ, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है आपको। ये एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ आता है। इसमें 3.5mm जैक सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये 4G है और डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड, तीनों चीजें आप एक साथ यूज कर सकते हो। इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा 18W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर यहाँ पर हमारे पास है Redmi 9 Prime। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नंबर 4 पर जो हमारे पास Poco M2 है और नंबर 3 पर जो Redmi 9 Prime है, दोनों सेम है। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है प्राइस में, वेरिएंट में, सारा कुछ A to Z सेम है, सिवाय एक चीज के, बस इसमें जो बैटरी है 5020mAh की है, तो इस वजह से मैंने नंबर 3 पर ये रखा हुआ है। और इसका बल्कि प्राइस की बात करें तो ये 9999 रुपये का है, तो ये अगर Poco M2 से देखा जाए तो ये 500 रुपये महंगा ही है। बस इसमें सिर्फ क्या डिफरेंस है कि बस इसमें जो बैटरी है वो आपको 5020mAh की मिलती है, बाकी सारी चीज़ें A to Z सब चीज़ें एक जैसी हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ, तो नंबर 2 पर हमारे पास Poco M3 आता है। इसके जो वेरिएंट है 664 बेस वेरिएंट है, जिसका प्राइस 10999 रुपये है। ये आपको 6.53 इंच में देखने को मिल जाएगा और इसमें फुल HD प्लस IPS LCD पैनल भी देखने को मिलता है। तो जी हाँ, ये भी फुल HD प्लस में आपको देखने को मिलेगा। इसमें 394 PPI और 400 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, तो ब्राइटनेस और PPI भी आपको काफ़ी अच्छी दे रखी है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 662 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि 11nm चिपसेट पर बेस्ड है, और इसमें हीटिंग का इशू काफ़ी कम रहेगा और ये पावर एफिशिएंट भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरा के लिए, तो कैमरे में बैक में अगर आप कैमरा देखेंगे तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर सेल्फी की बात करें तो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक फीचर दोनों ही देखने को मिलते हैं। ये आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें कि 3.5mm का जैक सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसमें 4G अवेलेबल है, आप डुअल सिम यूज कर सकते हो, प्लस माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हो, मतलब तीनों चीजें एक साथ कर सकते हो। अगर बात की जाए बैटरी की, तो 6000mAh की बिग बैटरी के साथ ही आता है, जिसमें 18W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है। तो नंबर 1 पर यहाँ पर मैंने Redmi 9 Power को रखा हुआ है, क्योंकि ये 464 वेरिएंट में आपको 10499 का देखने को मिलता है। इसमें आपको 6.53 इंच की डिस्प्ले और फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 394 का PPI और 400 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि कमाल की है। इसके बाद बात करें अगर हम स्नैपड्रैगन की, तो इसमें स्नैपड्रैगन 662 देखने को मिल जाता है, जो कि 11nm पर बेस्ड है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके कैमरे की, तो इसमें बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, तो कैमरा भी इसका अच्छा दिया हुआ है। वहीं फ्रंट में बात करें तो कैमरे में यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट प्लस फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है। ये एंड्रॉइड वर्जन 10 के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 3.5mm का जैक सपोर्ट और ये 4G है ऑफकोर्स, हाँ, और इसमें डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ आप यूज़ कर सकते हो। अगर बात की जाए बैटरी की, तो 6000mAh की बिग बैटरी के साथ आता है, और इसमें 22.5W का चार्जर आपको मिलता है, लेकिन ये जो चार्जिंग सपोर्ट करता है वो 18W की ही करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या आपको लगा हो कि कोई भी किसी और रैंक पर फोन आना चाहिए था और मैंने गलत उसमें बताया, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और आप मुझे ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, कंपैरिजन पर या फिर लेटेस्ट फोन पर, जो भी है आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को फैला दो अच्छे से, और घंटा दबाना मत भूलना। चलिए, बाय।